छतरपुर के हरपालपुर में बैंक में पदस्थ एक बैंक कर्मी पर छात्रा से छेड़छाड़ करने और उसकी बात न मानने पर तेजाब फेंकने की धमकी के आरोप लगे हैं। पुलिस ने बैंक कर्मी नितेश पंडित पर मामला दर्ज कर लिया है। पंडित पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हरपालपुर में 12वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने अपने परिजनों के साथ थाने में शिकायत की है कि स्टेट बैंक में पदस्थ बैंक कर्मी नितेश पंडित उसे एक महीने से परेशान कर रहा है। बीती शाम जब वो कोचिंग से लौट रही थी तो उसने रास्ते में उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके साथ ही धमकी भी दी कि यदि उसने फोन पर बात नहीं की तो वह उस पर तेजाब फेंक देगा। जब नितेश हरकत कर रहा था तभी लोगों की भीड़ लग गई और वो मौका देखकर भाग निकला। पीड़ित युवती घबरा कर घर पहुंची और उसने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। युवती की शिकायत पर हरपालपुर थाना पुलिस ने आरोपी बैंक कर्मी नितेश पंडित के खिलाफ छेड़छाड़, धमकाने और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें थाना हरपालपुर में बच्ची ने अपने परिवारजन के साथ में आकर शिकायत की है। शिकायत आवेदन पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जल्दी से जल्द आरोपी को राउंड अप किया जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस सख्त कार्रवाई की करेगी और अगर ऐसा कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।